हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि आपका राउंड वन, जिसकी चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है एंड आप अपनी प्रेफरेंस शीट फिल करके लॉक कर रहे हैं फॉर योर राउंड वन, तो कौन सा कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको प्रेफरेंस शीट सैम्पल ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, बट अब मैं कुछ रैंक की रेंजेस में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि विच कॉलेजेस यू कैन एक्सपेक्ट। सो सबसे पहले जो टॉप रैंकर्स हैं, दैट इज रैंक वन टू रैंक 1000, तो आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर आपका रैंक वन है तो आपको MSIT ही जाना है। हर बच्चा MSIT नहीं जाता है या हर बच्चा विप्स नहीं जाता है, डिपेंड्स आपके घर के पास कौन सा कॉलेज है। और भी दूसरे कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैटर कर सकते हैं, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए एज पर योर रैंक एंड एज पर द अदर फैक्टर्स ऑल्सो, कि आपकी कन्वीनियंस क्या है, कितना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा एंड मेनी अदर फैक्टर्स कुड बी देयर, हाउ फार इट इज, व्हाट्स योर बजट, वेदर इट्स देयर इज अ कनेक्टिविटी थिंग और नॉट, क्योंकि हो सकता है कहीं पर आपको डायरेक्ट मेट्रो मिलती हो पर किसी लोकेशन पे डायरेक्ट मेट्रो नहीं मिलती है। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप ध्यान में रखकर अपने कॉलेजेस चूज करेंगे। मैंने आपको ये सैम्पल में प्रोवाइड किया था कि आप महाराजा सूरजमल फर्स्ट पे डाल रहे हो, पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आपको इसी को ही फर्स्ट पे डालना है। काफी बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम मुझे तो विप्स में जाना है, महाराजा सूरजमल में नहीं जाना, तो क्या मैं अभी भी महाराजा सूरजमल को वन पे लिखूं। नहीं बेटा, अगर आपको विप्स में जाना है तो आप विप्स को नंबर वन पे लिखोगे, आप महाराजा सूरजमल को नंबर वन पे नहीं लिखोगे। सो नंबर वन पे आपका वो कॉलेज आएगा जिस कॉलेज में आप तहे दिल से जाना चाहते हो, राइट, और आपका रैंक भी उसको सपोर्ट कर रहा है। सो नंबर वन इज दैट कॉलेज विच यू वॉन्ट, कि हाँ मुझे यहीं पे जाना है। नंबर टू पे वो कॉलेज होगा जो अगर मुझे वन ना मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी। नंबर थ्री पे वो कॉलेज होगा कि अगर मुझे नंबर टू ना मिला तो मैं कहाँ जाऊँ, नंबर थ्री वाला ना मिला तो मैं कहाँ जाऊँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शीट, कि आपको कौन से ऑर्डर में कॉलेजेस को प्रेफर करना है। सो फर्स्ट नंबर का मतलब है कि यू वॉन्ट टू गो इन दैट कॉलेज, तो अगर उसमें सीट अवेलेबल होगी तो आपको उसमें सीट अलॉट होगी। अगर उसमें सीट अलॉट नहीं होती है, उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम सेकेंड नंबर के कॉलेज पे जाते हैं। सेकेंड नंबर में अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम थर्ड नंबर के कॉलेज में जाते हैं एंड सो ऑन। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलेज ओनली इफ द अपर कॉलेज इज नॉट अवेलेबल, तो यूनिवर्सिटी आपको अगला कॉलेज देती है, ठीक है। तो अगर आपको श्योर है कि आपको विप्स में जाना है तो आप ये दोनों पहले लिखो, फिर ये बाद में लिख दो, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जिनको जिम्स में जाना है IITM की जगह वो जिम्स ऊपर कर सकते हैं और IITM को नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले 1000 रैंक्स की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट 1000 रैंक्स जो है आपके पास वो कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। देखो क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ये टॉप फाइव कॉलेजेस हैं, महाराजा सूरजमल, विप्स, महाराजा अग्रसेन, IITM और जेम्स। दीज आर सपोज टू बी द टॉप और द बेस्ट फाइव कॉलेजेस इन IP यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपके पास सेकेंड स्लॉट ऑफ कॉलेजेस शुरू हो जाता है। और अगर मैं ये टॉप फाइव कॉलेजेस का काउंट ही लगा लूं, सो दिस इज 240, दिस इज 300, 300 एंड 300, दैट इज 600, तो यहीं तक हो गया, 600 इधर हो गए और ये हो गए आपके 480। 480 मतलब दिस, और जिम्स वाले हम मिला लें तो हमारे पास हो जाते हैं 240, तो 600, 1080, ठीक है। और 240 में और ऐड कर दूं, सो 1320, तो वन से लेके 1000 रैंक तक, तो क्या 1 से लेके 1500 रैंक तक। अगर आपका रैंक 1500 क्या इवन 1800 भी है तो भी आपको इन टॉप फाइव जो कॉलेजेस हैं इसमें आराम से एडमिशन मिल सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टॉप 1000 को आप जो भी अपनी आप फर्स्ट प्रेफरेंसेस एंटर करेंगे, अगर आप इसी ऑर्डर में एंटर करते हैं या ऊपर नीचे भी कर देते हैं, तो फर्स्ट 1000 रैंक्स जो हैं उनको इन कॉलेजेस में से आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो भी आपने पहले फिल किया होगा उसमें एडमिशन मिलने के चांसेस है राउंड वन में। राउंड टू में ये रैंक्स और बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं अभी सिर्फ राउंड वन के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, राउंड टू में हो सकता है 2500 वाले को भी मिल जाए, डिपेंडिंग कि आगे से कितने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, सो इट डिपेंड्स। तो देखो आप 1320 सीट तो है ही, तो हम 2000 रैंक तक तो इजिली पहुंच पाएंगे इसमें, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने BCA BBA दोनों का एंट्रेंस दिया होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया होता है, जिन्होंने BTech के लिए अप्लाई किया होता है, GE दिया हुआ है, JE दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन
दे आर डाइसी कि बीसीए करें या बीटेक करें, और अगर उनको अच्छे कॉलेज में बीटेक मिल जाता है तो वो बीसीए नहीं करते हैं, तो आगे की सीट्स आपकी जो है वो खाली हो सकती है, राइट? सो 1 से लेके 1000 आपको ये कॉलेजेस अगर आप फिल करोगे अपनी प्रेफरेंस शीट में तो भी बहुत है, ठीक है? बट इनका ऑर्डर आप अपने हिसाब से दोगे, ये बेस्ट कॉलेजेस हैं, पर जिसमें आपको जाना है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसे आप नंबर 1 पे लिखोगे, फिर आप सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, एंड एज पर शिफ्ट यू हैव टू राइट, शिफ्ट 1 अलग, शिफ्ट 2 अलग, ठीक है? सो मेक श्योर यू गिव इट लाइक दिस। आप पीछे वाले फिल नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इसी में से ही एडमिशन मिल जाएगा फॉर टॉप 1000 रैंक। 1320 सीट है, आपका रैंक 1000 से कम है तो ऑब्वियसली आपको मिलना ही है, राइट? तो इनको आप अपने ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट यू जस्ट नीड टू फिल दिस मच इन द प्रेफरेंस शीट एंड यू सॉर्टेड। आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फिल करने में कोई हार्म नहीं है, पर जरूरत ही नहीं है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। आप बताइए मुझे कि आपने अपने अपने रैंक 1 पे कौन सा कॉलेज रखा है, तो वी हैव एन आइडिया फ्रॉम द कमेंट सेक्शन के कितने बच्चे जो है वो अग्रसेन में जा रहे हैं, कितने बच्चे महाराजा सूरजमल में जाना चाहते हैं, और कितने विप्स में जाना चाहते हैं। सो वी कैन कीप अकाउंट, राइट? सो आप ये भी कर सकते हो कि पीछे वाले कमेंट में +1 करके अपना कॉलेज के अकॉर्डिंगली लिखते जाओ, सो वील गेट अकाउंट इन दैट वे कि वेयर आर यू गोइंग, राइट? सो दिस इज द थिंग फॉर 1 to 2000। आई विल कम अप विद अनदर सेशन।